जिला इंतजामिया पुलवामा की हिदायत पर त्राल टाउन में म्युनिसिपल कमेटी और अवामी उमूर साफरीन महकमा में बाहमी इश्तराक से मार्केट चेकअप और मास्क तकसीम करने के हवाले से एक मुहिम चलाई, जिस दौरान नाजायज मुनाफिक खोरों को मद्देनजर रखते हुए दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की गई, जबकि आवाम पर जोर दिया गया कि वो कोरोना वायरस के बढ़ते हुए वाकत पर कोविड एसओपीज पर सख्त से अमल करें। इस बारे में लाउडस्पीकर्स के जरिए ऐलानात भी किए गए, जबकि गिरे फरोशों से हजारों की कीमत वसूल की गई। इस मुहिम के दौरान आवाम में मुफ्त मास्क भी तकसीम किए गए। पेशा राइजिंग स्टेट की ये रिपोर्ट। वो पांच सौ घंटे यार सर क्या कर रहे हो? कौन से दस? डेढ़ सौ कर पाने करस पाने करो दस को लगा दस अमित जग जी यो कर अमित जग जी अमित सोच ना पर अंदर कहीं थमो पानो हस चो गुजारिश करने के तौर मास्क का इस्तेमाल एसोसिएशन से गया सोशल डिस्टेंस से गया डेढ़ बार में करें किया मास्क कर इस्तेमाल मास्क वगैरह साफ नहीं करके बहुत बड़ी जुर्मान करने सब तो सेम ख्याल डेढ़ बार में करें किया मास्क वगैरह साफ नहीं करके बहुत बड़ी जुर्मान तमाम लोग जो बुजुर्ग गुजारिश की तो करें मास्क का इस्तेमाल जैसे कि पिछले साल भी कोविड ऐसे फैला था कि और आज भी ऐसे फैला है कि लोगों को पता नहीं चलता है कि क्या क्या हो रहा है। स्कूल भी बंद हो गए, सारे जो सोशल फंक्शंस थे वो भी बंद हो गए। हम ऐलान करते हैं पिछले दो तीन दिन से कंटिन्यू कर रहे हैं ऐलान कि डिस्टेंस रखो और मास्क ज़रूरी रखो ताकि लोगों में ये बीमारी ना फैले, जो कि यहाँ पे बच्चे घूम रहे हैं या बुज़ुर्ग घूम रहे हैं, यहाँ पे रोज़े भी आजकल चल रहे हैं, ताकि ये बीमारी किसी तरह आगे ना फैले। हम इसको कंट्रोल करना चाहते हैं, मगर अगर लोग हमें इसमें तावन दे देंगे तो साथ साथ में हम रोज़े के साथ साथ हम मार्केट भी चेकिंग कर रहे हैं कि ताकि कोई ब्लैक मार्केटिंग मत हो रही है, क्योंकि इस समय रोज़े भी चल रहे हैं, जो माल है जो साफ़ है या सही है या रेट सही जर्मेन है, मगर उसके साथ साथ जो सोशल डिस्टेंस है वो बहुत अहम है और मास्क लगाना पूरा इस समय ज़रूरी है ताकि हम इस बीमारी को हम कंट्रोल करेंगे। मैं लोगों से एक बार और फिर अपील करता हूँ कि आप मास्क पहनिए, मास्क के बगैर आप कहीं मत जाइए, क्योंकि आप अपने परिवार के दुश्मन बन रहे हैं कि अगर आप मास्क नहीं लगाएंगे। जैसे आप घर में आते हो मास्क के बगैर आते हो सके आपको बीमारी लगी होगी है, तो आपके बच्चे बुजुर्ग माँ बाप उनका ख्याल रख के आप वो मद्देनजर रखें आप मास्क पहने और सोशल डिस्टेंस का पूरा ख्याल रखें।